हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के अध्यक्ष ने मातृभाषा सीखने की प्रारंभिक शुरुआत की भूमिका पर जोर दिया है, जो बच्चे की रचनात्मक सोच के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जानते हैं कि क्षेत्रीय भाषाएं क्या हैं। क्षेत्रीय भाषा एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल उस भाषा के लिए किया जाता है जो वहाँ की बड़ी संख्या में लोगों द्वारा बोली जाती है, लेकिन देश के बाकी हिस्सों में संचार की वास्तविक भाषा नहीं होती है। एक भाषा को क्षेत्रीय तब माना जाता है जब वह ज्यादातर उन लोगों द्वारा बोली जाती है जो बड़े पैमाने पर किसी राज्य या देश के एक विशेष क्षेत्र में रहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) में कहा गया है कि संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा कुछ पहल भी की गई हैं। UGC स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया जैसे अलग अलग नियामक निकायों के साथ बातचीत कर रहा है। इसलिए भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक नई समिति बनाई गई है जो यह देखेगी कि संस्थान स्थानीय भाषाओं में कानूनी शिक्षा कैसे प्रदान कर सकते हैं। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने भी 10 कॉलेज में क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ्यक्रम शुरू किए थे। इसके अलावा यह विशेषज्ञों के साथ साथ 10 से 12 विषयों की पहचान करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित भारतीय भाषा के विकास पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति के साथ भी कार्य कर रहा है, ताकि पुस्तकों का या तो अनुवाद किया जा सके या फिर उन्हें नए सिरे से लिखा जा सके। नियामक संस्था अगले एक वर्ष में कई अलग अलग विषयों में क्षेत्रीय भाषाओं में 1500 बुक तैयार करने का लक्ष्य लेकर चल रही थी। कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी क्षेत्रीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकों के प्रकाशन को बढ़ावा देने के लिए प्रकाशन अनुदान प्रदान कर रहा है। इसके अलावा राष्ट्रीय अनुदान मिशन को केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।